पेपर बॉम्ब ही कागदासारखं दिसणार पण अत्यंत घातक असं ड्रग्ज ठाण्यात अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने पकडले आहे. 1 ते 1.5 लाख रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ हितेश मल्होत्रा या पेडलर कडून जप्त करण्यात आले आणि त्याच्या घरी 1 किलो चरस पोलिसांना सापडले आहे. हितेश मल्होत्रा सोबत मोठे रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यताही ठाणे क्राईम ब्रांचने वर्तवली. यासोबत एका दुसऱ्या कारवाईत क्राईम ब्रांच युनिटने 4 किलो चरस जप्त केले. एकूण 5 किलो चरस आणि LSD पेपर असं 15 लाखाचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आल्याने ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्जचा व्यवहार होत असल्याचं अधोरेखित झाले. तसेच पोलिसांनी ठाण्यातील पालकांना आपल्या मुलांकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले. आम्ही आने वाले थे तो हथौड़े साहब और उनकी जो पूरी टीम है पवार साहब उन्होंने उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसकी जब हमने झड़ती लिया तो उसके पास हमको एक पेपर मिला. उसके बाद हमने उसके घर के अंदर सर्च किया तो घर में भी हमको उसके लगभग 1 किलो चरस मिला था. उसके साथ में हमारा यूनिट वन का भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा था. यूनिट वन के लोगों ने भी एक आरोपी को पकड़ा था. उसके तरफ से हमको 4 किलो चरस मिला था. टोटल हमने 2 दिन में अपना थाना कमिश्नर में कम से कम 5 किलो का चरस पकड़ा है और LSD पेपर जो चरस की मार्केट में कीमत है वो लगभग 11 से 12 लाख के आसपास कीमत है और जो LSD पेपर है उसका थोड़ा सा तुम अगर कट देखो तो 5,000 के आसपास उसका प्राइस है. तो अपन ने लगभग 1 से लेकर 2 लाख के आसपास हमने वो LSD पेपर को पकड़ा है. उसके घर पर हमने तलाशी की तो घर पर हमको एक भी मिला था. वेट इलेक्ट्रॉनिक वेट हमको मिला था. तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी दिनों से ये करता है तो उसके साथ में कौन लोग जुड़े हैं ये भी इसका हम तपास करेंगे. तो इसके माध्यम से हमने कई 5 किलो का चरस हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है.